दोस्तों, आज के वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। आपने बहुत बार देखा होगा, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड कभी किसी गैस प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो कभी किसी केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, और इन प्लांट से जो ब्लास्ट होता है उनकी तबाही बहुत भयंकर होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जिस प्लांट की अपन बात करेंगे वह भी कुछ ऐसा ही है, जो एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है, और यदि इसमें गलती से ब्लास्ट हो गया तो ऐसी भयंकर तबाही देखने को मिलेगी जैसा हम सोच भी नहीं सकते। पर इन सब के बीच में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह जो प्लांट में ब्लास्ट होता है ना, इसको जानबूझकर करवाया जाता है, नेचुरली नहीं होता है अपने आप। क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि इन प्लांट्स की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक होती है। जेड प्लस नहीं, जेड प्लस 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 सिक्योरिटी होती है इनमें। फिर इनमें ब्लास्ट कैसे हो जाता है? पॉसिबली नहीं है ब्लास्ट होना नेचुरल तरीके से। तो और वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कैसे न्यूक्लियर प्लांट को एक न्यूक्लियर बॉम्ब में बदलना कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस चीज का रिप्लाई आप पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अलग चीज है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्मल पावर स्टेशन होता है वहाँ पर कोयले को जलाया जाता है और फिर पानी को गर्म करके स्टीम बनाकर जनरेटर को घुमाया जाता है। थोड़ा और अच्छा समझने के लिए आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में कोयला का यूज नहीं होता है, यहाँ पर कोयले की जगह यूरेनियम को यूज में लिया जाता है, और यह यूरेनियम सेम कोयले वाला ही काम करता है, पानी को गर्म करता है और स्टीम में कन्वर्ट करता है और जनरेटर को घुमाता है। पर यहाँ पर कोयले को जलाना और कंट्रोल करना आसान है, लेकिन यूरेनियम को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी टास्क है। और यूरेनियम को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जैसे कोयला फर्नेस में जलता है उसी तरीके से यूरेनियम का फर्नेस न्यूक्लियर रिएक्टर ही होता है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 1 kg यूरेनियम 30 लाख kg कोल के बराबर होता है। अब अपन इस रिएक्टर को डिस्कवर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। यह जो रिएक्टर के सेंटर का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिएक्टर की कोर, और इसी के अंदर यूरेनियम को रखा जाता है। यहाँ पर यूरेनियम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन सब टुकड़ों को एक साथ में जोड़कर एक मेटल की ट्यूब के अंदर डालकर और फिर ऐसे बहुत सारे ट्यूब का एक बंडल बनाकर ऐसे रखा जाता है। यह जो मेटल की ट्यूब होती है यह एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और जिरकोनियम की होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे यूरेनियम जिसको एज ए फ्यूल यूज में लिया जाता है, इसको इन ट्यूब के अंदर पैक करके रिएक्टर की कोर में रखा जाता है। इसके बाद में आता है मॉडरेटर, जिसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस मॉडरेटर को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा यूरेनियम की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यूरेनियम 235 को काम में लिया जाता है, और यूरेनियम के जो बड़े बड़े एटम है वह छोटे एटम में टूटते हैं, और जब वह टूटते हैं तो इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे यह यूरेनियम का एक एटम है, अब यह नॉर्मल कंडीशन में तो स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो यह अनस्टेबल हो जाएगा और यह 2 न्यूक्ली में टूट जाएगा, और इसके साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी। अब यह जो 3 न्यूट्रॉन है ना, यह आगे 3 और एटम पर अटैक करेंगे और उनको तोड़ेंगे, तो उनसे भी ऐसे ही एनर्जी निकलेगी और न्यूट्रॉन निकलेंगे साथ में, और वह न्यूट्रॉन आगे और अटैक करते जाएंगे, और इस तरीके से एक लंबी चेन बनती जाएगी, और इसी चेन रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जो एक फिजन की प्रोसेस होती है, जब एक एटम 2 में टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। यह जूल्स में कितनी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब जब यह चेन रिएक्शन चलता है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो इन न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। इनकी स्पीड लगभग 10^9 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। तो इतनी ज्यादा स्पीड में यह चेन रिएक्शन होगा तो इतना फास्ट होगा कि हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, और एक बड़ा धमाका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक मॉडरेटर यूज में लेते हैं, और यह मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन है इनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। जो यह यूरेनियम के यहाँ पर बंडल रखे हुए हैं, इनके बीच में हेवी वाटर को भर दिया जाता है, और हेवी वाटर एक मॉडरेटर की तरह काम करता है यहाँ पर। तो जब चेन रिएक्शन चलता है तो इस हेवी वाटर के न्यूक्ली से यह न्यूट्रॉन टकराकर अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, ताकि हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर हेवी वाटर को एज ए मॉडरेटर काम में लिया जाता है। इसके अलावा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन को भी हम मॉडरेटर की तरह काम में ले सकते हैं। इसके बाद में इसी रिएक्टर में कंट्रोल रोड भी लगी रहती है, और यह कंट्रोल रोड यह जो यूरेनियम के बंडल है इनके बीचों बीच सेट रहती है।
इस कंट्रोल रोड का काम होता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है और पावर प्लांट को सडनली शट डाउन करना होता है तो हम कंट्रोल रोड की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। यह कंट्रोल रोड जब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती है तो कुछ न्यूट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो जो यह एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है इनको यह रोड एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सके। और जब इमरजेंसी कंडीशन में पावर प्लांट को एकदम बंद करना होता है तो जो न्यूट्रॉन लगे हुए हैं आगे यूरेनियम के एटम्स को तोड़ने में, उन सबको यह रोड सक कर लेगी और चेन रिएक्शन को बंद कर देगी, तो हमारा पावर प्लांट वहीं पर शट डाउन हो जाएगा। यह कंट्रोल रोड बोरोन, केडमियम और हाफनियम की बनी रहती है। अब इस यूरेनियम की प्रोसेस तो हो गई और रिएक्टर के अंदर बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, पर फर्दर प्रोसेस क्या है, यह कैसे पानी गर्म करता है और स्टीम में कन्वर्ट करता है, इसको समझते हैं। जब इस रिएक्टर के कोर में फ्यूजन की प्रोसेस चल रही होती है तो बहुत सारी एनर्जी भी निकल रही होती है यहाँ पर, तो हम एक कूलेंट को इस रिएक्टर के जो बंडल रखे हुए हैं यूरेनियम के वहाँ से पास करवाते हैं। और यह कूलेंट हेवी वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और कोई मेटल भी हो सकती है जैसे सोडियम लिथियम। तो यह कूलेंट रिएक्टर के अंदर ट्यूब से होते हुए जाता है और गर्म होकर वापस बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो बाहर की साइड में एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है और इस हीट एक्सचेंजर के अंदर पानी होता है, तो यह कूलेंट जो पानी हीट एक्सचेंजर में ठंडा है उसको गर्म करता है और वापस आगे निकल जाता है। यह कूलेंट ट्यूब में ही फ्लो करता है और हीट एक्सचेंजर में यह हीट को एक्सचेंज कर लेता है ठंडे पानी से और स्टीम में बदल देता है और वापस रिएक्टर में गर्म होने के लिए चला जाता है। और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और जो स्टीम है उसको टर्बाइन पर यहाँ से कलेक्ट करके डाला जाता है और जनरेटर को रोटेट किया जाता है। अब इससे आगे की प्रोसेस आप इस वाले वीडियो से अच्छे से समझ सकते हो। यह आगे की प्रोसेस सभी पावर प्लांट की सेम ही है, अपन यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब अपन वापस थोड़ा रिएक्टर पर आते हैं। जो छोटे रिएक्टर होते हैं उनमें तो जो मॉडरेटर होता है उसी को हम एज ए कूलेंट काम में ले लेते हैं, लेकिन जो बड़े रिएक्टर होते हैं उनमें अलग कूलेंट काम में लिया जाता है और रिएक्टर के कोर से पास करवाया जाता है और फिर उससे पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब यह जो प्रोसेस हो रही है इस रिएक्टर के अंदर, इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन इस कोर के बाहर निकल जाते हैं, तो इस रिएक्टर की कोर को कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर से बंद किया जाता है और यह रिफ्लेक्टर जो इधर उधर न्यूट्रॉन भाग गए हैं उनको वापस फ्यूजन की प्रोसेस में लाता है और रिएक्टर कोर को प्रोटेक्ट करके रखता है, एकदम कवर करके रखता है पूरा का पूरा। अब यूरेनियम तो आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना तो यह रिएक्टर के आसपास में जितने भी लोग है उन सबको खा जाएगी। तो रिफ्लेक्टर के बाहर थर्मल शील्डिंग की जाती है और यह शील्डिंग जो रिएक्टर के अंदर हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस थर्मल शील्डिंग में भी कूलेंट फ्लो होता है और जो रिएक्टर की एक्स्ट्रा हीट है उसको यहाँ से दूर करता है। अब इस थर्मल शील्डिंग के ऊपर भी एक और कवर लगा रहता है जिसको बोलते हैं रिएक्टर वेसल, और यह जो भी इतने अंदर के इक्विपमेंट थे उनको प्रोटेक्ट करके रहता है। यह एक स्ट्रॉन्ग वॉल होती है जिसमें कूलेंट इन और आउट के पॉइंट होते हैं और बाकी पूरा यह पैक रहता है। अब यह जो रिएक्टर वेसल वाली वाल है इसके बाहर भी एक वाल और होती है जिसका नाम है बायोलॉजिकल शील्डिंग। इस रिएक्टर में प्रॉब्लम यह आती है कि अल्फा और बीटा रेज को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जो गामा रेज होती है उनके लिए कोई ऐसी दीवार नहीं जो उनको रोक सके, इसलिए यह बायोलॉजिकल शील्ड तैयार की जाती है जिसकी मोटाई लगभग 2 मीटर तक होती है, जो लेड, आयरन और कंक्रीट से बनी होती है और लेड गामा रेज को रोक लेती है। तो इतनी सारी लेड चढ़ाने के बाद में यह जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यह बाहर से इस टाइप का दिखता है, एकदम पैक्ड, अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से लेयर पर लेयर चढ़ाकर इस न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके बाद में कंट्रोल रूम से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है, उसकी पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या टेम्परेचर है, यह कैसे काम कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, यह सब कुछ ट्रैक किया जाता है। अब इतना सब होने के बाद में आप ही बताओ कि क्या पॉसिबल है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई ब्लास्ट हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की सिक्योरिटी हर जो भी कोई प्लांट होता है, चाहे गैस प्लांट हो या कोई केमिकल प्लांट हो, वहां पर प्रोटेक्शन होती है क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, ब्लास्ट हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यार यह कैसे ब्लास्ट हो जाते हैं मेरी समझ से तो बाहर है, आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। और यदि कोई चाहता है कि मुझे तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाका करवाना है तो बस सिंपल सा काम करना है, कंट्रोल रोड को निकाल लो, जो भी न्यूट्रॉन है वह आजाद हो जाएंगे और फिर चलेगी न्यूक्लियर फ्यूजन की धमाकेदार चेन रिएक्शन और उससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी जिसको यह रिएक्टर की दीवारें सहन ही नहीं कर
कर पाएगी और एक बड़ा धमाका हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा ही होता है, वीडियो मैंने बना दिया, आप उसको देख सकते हो। जब चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता है तो वह न्यूक्लियर बम बन जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोसेस किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। मेरे ख्याल से आज आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।